हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं केवी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आसुस ज़ेनफोन 5Z का अनबॉक्सिंग, जो कि मिट्टी और सिल्वर कलर है और ये हम फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। 30,000 का फोन है और मुझे 28,000 पड़ा है एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड से। तो चलिए आज इसे अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आसुस ज़ेनफोन 5Z। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 4G वोल्टी डुअल 4G वोल्टी है इस फोन में। वी लव फोटो और ये कुछ स्टिकर है फ्लिपकार्ट का लगा हुआ। और दोस्तों, ये देखिए, मेटियोर सिल्वर कलर में मंगाया हूँ। 6GB का रैम है, 64GB स्पेस है इसमें। डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, 6.2 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ है और स्नैपड्रैगन 845 आता है दोस्तों इसमें, जो कि सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। और गाइज, इसमें 8 MP प्लस 12 MP का डुअल रियल कैमरा है और फ्रंट कैमरा 8 MP का है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, व्हील ऑफ फोटो का सिंबल यहाँ बना हुआ है और ये रहा मेरा फोन के साथ। ये TPU केस आता है दोस्तों, तो इसका भी क्वालिटी कुछ दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से है। तो दोस्तों, ये देखिए TPU केस कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा TPU केस है। ये देखिए बिल्कुल। और ये देखिए दोस्तों, सिम इजेक्टर टूल है आसुस का ब्रांडिंग के साथ, जिससे हम लोग सिम ओपन करेंगे। तो इसे रख देते हैं साइड में और कुछ ये सब इंस्ट्रक्शन गाइड है जो कि हम लोग रख देते हैं। और दोस्तों, ये रहा मेरा फोन, तो काफी प्रीमियम लुक है फोन का। तो चलिए इसे अब ओपन कर लेते हैं दोस्तों फोन को, तो किस तरीके से दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस फोन का यही खूबी है, आप देख सकते हैं कितना शाइनी बैक पैनल है, बड़ा जानदार लगता है ये सब देखने में। और फ्रंट से ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जैसा कि आप फोन देख चुके हैं, ये देखिए गाइस, इसमें पावर बटन यहाँ पे है, वॉल्यूम अप डाउन बटन है और इसके साथ सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है, कुछ IMEI नंबर का स्टिकर है। और बैक पैनल तो काफी शानदार है, आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं और क्या क्या बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो ये रहा मेरा चार्जर, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से चार्जर मिलता है और इसे हम फिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसे ये हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा देखिए मेरा केबल, चार्जर के साथ आता है और 3.5 mm जैक के साथ ये केबल है। केबल का वायर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम होगा, बहुत छोटा सा वायर भी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हेडफोन, सुने हैं हेडफोन बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आसुस के साथ हेडफोन भी दिया गया है और कुछ ये ईयरबड्स भी है हेडफोन के साथ। तो इसे हम रख देते हैं और फाइनली अब आप लोगों को हम फोन की तरफ लेके जाते हैं। तो गाइज, ये रहा मेरा फोन, फाइनली अनबॉक्स कर चुका हूँ और चलिए दोस्तों, अब इसे हम खोलते हैं। या ये रहा सिम इजेक्टर टूल और ये है ट्रे, तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं और आप लोगों को अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं, सिम का किस तरीके से लगने का है और बाकी सब। तो दोस्तों, ये देखिए, ये फर्स्ट सिम इधर पे लगेगा और सेकंड सिम के साथ एक हाइब्रिड स्लॉट भी आता है इस फोन में, जो कि वन प्लस में नहीं आता, इसीलिए हम वन प्लस का फैन थे, लेकिन फिर भी इस फोन का बहुत तारीफ सुने इसीलिए हम ये फोन लिए, और खास करके ये बैक पैनल की वजह से। दूर से कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये आईफोन है, क्योंकि कितना तो आईफोन देखे भी नहीं है इसीलिए। तो दोस्तों, चलिए अब इसमें हम सिम इंसर्ट कर लेते हैं और फिर सेटअप करके आप लोग को दिखाते हैं। तो
गाइस फाइनली ये मेरा फोन फुल सेटअप हो चुका है और सभी ऐप्स हम अपडेट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से फोन आप लोगों को दिखता है। ये देखिए यहाँ पे एयरपीस की तरफ एक नोटिफिकेशन ये लाइट भी है जो हर मल्टी कलर में अब वो आप लोगों को दिखेगा। तो आप लोगों को बैक कैमरा दिखाते हैं। तो इस तरीके से देखे कैमरा बिल्कुल बढ़िया है। और ये देखिए मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल, इसके साथ एक वाइड एंगल कैमरा भी है। वाइड एंगल कैमरा है ये देखिए। सेकेंडरी कैमरा का बिल्कुल इसमें आप यूज कर सकते हैं डुअल कैमरा का, जैसा कि आप लोगों को दिखा रहा है। और ये देखिए दोस्तों ये मेरा फ्रंट कैमरा है। तो दोस्तों ये देखिए फ्रंट कैमरा में कुछ इस तरीके से दिखता है। और दोस्तों आप लोगों को अब हम वेरिएंट दिखाते हैं कौन सा वेरिएंट है। तो दोस्तों ये सब फेसबुक ये सब इसमें इंस्टॉल आता है। दोस्तों ये देखिए ये अपडेट भी आया हुआ है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। 346 MB का एक अपडेट भी है इस फोन में आया हुआ, तो इसे हम अपडेट कर लेते हैं। इसे हम अपडेट कर लेते हैं और बाकी आप लोगों को फोन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एंड्रॉइड वर्जन 8.0.0 है, आसुस ज़ेनफोन 5G स्टेटस में ये देखिए मॉडल एंड हार्डवेयर। ये देखिए 2.5 GHz का CPU है इसमें, 6 GB का RAM है, GPS वर्जन बाकी सब बताया गया है। तो दोस्तों फोन तो काफी फास्ट है, अब कुछ दिन हम इसे यूज करेंगे तो ही आप लोगों को फुल एक रिव्यू जरूर से देंगे आप लोगों को इस फोन का। इस फोन का ब्लू कलर भी वेरिएंट मेरे पास है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सिल्वर कलर और ब्लू कलर दोनों कलर का ये कंपेयर करें तो आप लोग जरूर बताइए, हम जरूर कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों सिल्वर कलर ज्यादा बेटर लगता है, अगर आप मेरे राय से जाइएगा तो आप सिल्वर कलर लीजिए, सिल्वर कलर ज्यादा बढ़िया है। हालांकि अब आप लोगों का चॉइस है, लेकिन सिल्वर कलर दिखने में ज्यादा बढ़िया लगता है। और मेरे पास दो ही कलर है, ब्लू भी है और सिल्वर भी है, तो दोनों आप लोगों को दिखा देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।